जिसका जितना हो अचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो। सर 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 ठीक है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। रोल्स थ्योरम का अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज रोल्स थ्योरम टू प्रूव दैट, कुछ तो प्रूव करना है सर। ओके सर, समझ गए, प्रूव करना है। द इक्वेशन, कुछ तो इक्वेशन दिया है। ओके, हैज अ रूट बिटवीन 0 एंड 1। ओके, अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रूट का मतलब क्या होता है? अगर ये 0 मैं इसमें रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो उसका रूट है। रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब क्या, उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल कर देता है अगर हम रूट की वैल्यू उसमें रख देते हैं, बराबर। तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमें रोल्स थ्योरम यूज करना है। रोल्स थ्योरम जब भी आपके दिमाग में आएगा तो ये याद आना चाहिए, स्टेप्स हमारे पास है। तो हम करने क्या वाले हैं, पहले ये प्रूव करेंगे, फिर डिफरेंशिएबल बताएंगे, फिर ये प्रूव करेंगे, और बाद में उसका डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेंगे, बराबर। जो भी है f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो, बराबर। तो हम डेरिवेटिव करने वाले हैं आगे, तो क्यों ना इक्वल टू 0 मतलब किसी भी ये दो वैल्यू के बीच में अगर इक्वल टू 0 आता है तो उसके बीच में इसका रूट है हम बोल सकते हैं। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा ना, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा मुझे, बराबर। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, राइट, बराबर। तो पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा फिर डेरिवेटिव करूंगा तो यही आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स कैसे बनाता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको इधर लेके आता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बाई थ्री माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं मतलब 0 बचा। अब मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग क्यों कर रहा हूं इंटीग्रेटिंग, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा तो बाद में डेरिवेटिव करना आसान जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन जो होगा और उसका डेरिवेटिव फिर यही होने वाला है, तो सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है, कौन सा, हर तरह यहां पे x रेस टू 2 है तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बराबर। और हमारे पास रेंज है तो हम वहां पे प्लस सी नहीं लगाने वाले हैं यहां पर, क्योंकि हमारे पास रेंज ऑलरेडी लिमिट्स है हमारे पास, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे, और यहां ये क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या है, k का फॉर्मूला है के एक्स प्लस सी, राइट। ओके सर, समझ गए, दोनों फॉर्मूले हमारे में यहां पर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं देखते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका, a इंटू एक्स, क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन n प्लस, मतलब पावर एक से बढ़ाना है और वही पावर नीचे लिख देना है। ओके सर, यहां पर पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, एक से बढ़ाना है और वही नीचे लिख देना है। और कांस्टेंट के लिए क्या करना होता है सर, उसके साथ सिर्फ x को लगाना होता है। अच्छा, यही बन गया हमारा f of x, ये क्या बन गया हमारा f of x। अब ये तीनों कंडीशन हम देखते हैं। ओके सर, वन बाय वन देखेंगे तीनों कंडीशंस। ये स्टेप वन तो हो गया हमारा, स्टेप वन। अब करेंगे हम स्टेप टू, स्टेप टू में हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां पे क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट है यहां पर सर, ये कांस्टेंट है और उसके साथ एक्स की पावर है, यहां पर एक कांस्टेंट है उसके साथ एक्स की पावर है, यहां पर एक कांस्टेंट है उसके साथ एक्स की पावर है, कुछ नहीं मतलब वन होता है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, राइट। और हमें पहले से हम यही लिखते हैं, यही लिखते आ रहे हैं कि एज अगर कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। एज f of x is a, आप ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, x की टर्म में वो पॉलिनोमियल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि f of x is continuous
continuous in closed interval 0,1. 0,1 यहां पर दिया है इसलिए, बराबर। और क्लोज्ड इंटरवल क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम का कंडीशन ही वही, कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही हम लिखने वाले यहां पर, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,1। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, किसकी? रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम बोलता है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन होना चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो तो कितना आएगा, हर एक एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो सब कुछ जीरो होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्टली जीरो लिख देता हूं। और एफ ऑफ वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, ए बाय थ्री प्लस बी बाय टू, क्योंकि एक्स तो वन होने वाला है। यहां पे माइनस ए बाय थ्री और माइनस बी बाय टू, देखिए एक कट हो गया, ये कट तो कितना बचा, जीरो। तो मैं ये भी रख सकता हूं, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन हो गया। मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई। यहां पर इसका मतलब रोल्स थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम there exists at least one real number x, where f dash of x क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, बराबर। तो f dash of x इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बराबर। अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ये आया था तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा। फिर से निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो यही आएगा, बराबर। तो क्या आएगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव यही आने वाला है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बाय थ्री माइनस बी बाय टू इक्वल टू जीरो। क्योंकि इक्वल टू जीरो क्यों किया, क्योंकि रोल्स थ्योरम बोलता है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एफ डैश ऑफ एक्स कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब, इसका ये इक्वल टू जीरो मतलब क्या, यही तो आ गया, जो ओरिजिनल था वही तो आ गया, तो वही तो है ये, बराबर। तो मैं ऐसे करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बाय थ्री, तो यही तो यहां पर आया, राइट, इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। Where x belongs to, ये important है, where x belongs to open interval 0 and in, बराबर। therefore I can say there a root lies between 0 and 1। क्यों सर ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि open interval का मतलब होता है 0 and 1 के बीच में। रोल्स थ्योरम ने क्या बोला, 0 एंड 1 के बीच में ये जो इक्वेशन है ये किसी ना किसी वैल्यू के लिए, कम से कम एक वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, रोल्स थ्योरम बोल रहा है। कोई भी इक्वेशन जीरो कब होता है, उसके रूट के लिए, रिमेंबर दिस, अगर किसी भी वैल्यू के लिए कोई इक्वेशन जीरो हो रहा है इसका मतलब वो वैल्यू उसका रूट है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर रोल्स थ्योरम बोलता है 0 एंड 1 के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ये जीरो होता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वो उसका रूट है। मतलब इनडायरेक्टली हम बोलेंगे रूट, देयर इज अ रूट बिटवीन 0 एंड 1। समझ में आ गया, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था वही मैंने यहां पर प्रूव किया, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम वही प्रोसेस है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रूट हो गया, जीरो हो गया, एटलीस्ट एफ डैश ऑफ जीरो और रूट एक ही होता है, राइट। तो आपको बस ये पता होना चाहिए किसी भी चीज का रूट मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, बराबर। किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो होता है मतलब वो वैल्यू उसका क्या रिलेशन होता है, उसका रूट हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया, वीडियो एक बार दो बार तीन बार देख सकते हो, स्टार्ट से वीडियो देखना है, सारी चीजें वीडियो शेयर करते रहो, सारे सबको हेल्प होनी चाहिए, लाइक वगैरह जो भी होता है यार, चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो करते हैं फिर अगला सवाल।